मेरे से गले नहीं लगोगे हनी, मेरे से गले नहीं लगोगे। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ बहुत सुंदर। आजा आजा गाइस, हम लोग आए आज टेकरी बजरंग बली के दर्शन करने। तो दोस्तों दर्शन कर लीजिए हमारे टेकरी के बालाजी सरकार के। गाइस जो सुकून मंदिर में आकर मिलता है ना, वो सुकून कहीं भी चले जाइए आप कहीं पर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मंदिर के अलावा। क्योंकि मुझे शर्म आती है फिर तेज बोलने में। तो अभी जस्ट हम लोग एंटर हुए हैं, अब थोड़ा पेट भी तो करते हैं। दोस्तों किस किस को पब्लिक प्लेस में ब्लॉग करने में शर्म नहीं आती, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे तो बहुत आती है। फिर यहाँ पर सब लोग खाना खाने लग जाते हैं एंड मुझसे भी बोलते हैं कि तू कब तक ब्लॉग बनाएगी, अगर इस तरह ही ब्लॉग बनाएगी तो फिर खाना कैसे खा पाएगी। फिर मैंने भी खाना खाना स्टार्ट कर ही दिया, मुझे बहुत ज़्यादा यम्मी लगा। पर सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया फ्रूट्स खाना, क्योंकि मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी दीदी है, ये उनका क्यूट सा बेबी हनी है और ये मेरी जीजा जी हैं। किस किस को फ्रूट्स पसंद है गाइस, ये भी आप कमेंट में बताएं गाइस। यहाँ पर फिर देखिए कुछ देर बाद भैया और भाभी आ जाते हैं, इनके आते से ही शादी में मज़ा ही आ जाता है। तो राकेश तुम्हें और कुछ खाना है अभी? अभी खाया ही क्या है, अभी तो बहुत कुछ खाना है। चलो चलो जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। ये जा रहे यार, कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ देख सकते हैं हमारे जीजा जी हैं। अभी तो शुरुआत है। हाँ अभी बहुत सारा बाकी है। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं घर वापस और अभी बज रहे हैं रात के 10। बहुत जोर से ठंड लगी रास्ते में और मैं अपनी स्वेटर एक ले गई थी, डबल पहनकर आती हूँ, वैसे नाइट में कभी कभी जाती हूँ तो इसलिए मैं डबल ले जाना भूल गई थी। जल्दी जल्दी में गए थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें, भगवान जी के दर्शन किए, टेकरी गए, फिर शादी में तो इतना इन्जॉय किया कि मैं ब्लॉग करना ही भूल जाती थी। फोटो खींचने में बिजी जाते थे, ब्लॉग पे ध्यान ही नहीं दे पाते थे। इनको तो बहुत मजा आया क्योंकि पीछे बैठी थी लेकिन गाड़ी में चला रहा था मुझसे। हाँ, पूछो ये बात भी सही है, हम मोटरसाइकिल से गए थे, कार से नहीं गए थे। इतनी जोर से ठंड लग रही थी, इतनी जोर से हवा लग रही थी गाइस कि मेरे को तीन दिन पहन के जाना पड़ा था। ये जर्किन फ्री है इसके अंदर इनर, आप समझ सकते हैं। चल इसी बात पे मैं तेरे को गर्म पानी करके देती हूँ, मैं खुद भी पीऊंगी। वैसे मेरे को दो 101 रुपए। ठंडों में गाइस मैं आप लोगों को एक फ्री की एडवाइस देती हूँ, अगर ठंडों में अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो रात को सोने से पहले ना आप गर्म पानी पिए, बॉडी के लिए बेस्ट रहता है और गले के लिए भी अच्छा रहता है। नहीं गाइस ये गंदी आदत मत डालिए, अपन जिस चीज का अपन यूज करते हैं यूजेबल उस फायदे के लिए, तो वो चीज की आदत बन जाती है, इससे हमारा शरीर उस चीज की नीड मांगता है तो वो शरीर खराब हो जाता है। इसलिए कुछ भी खाइए कुछ भी पिए बिंदास रहिए। चलो गाइस आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, अब ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाया करूंगी मैं आपको, जिससे आपको देखने में भी अच्छा लगे। ओके मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।